हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जितेंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर में मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं और ये कैसे काम करता है, इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। इसके मेन चार पार्ट होते हैं, एक ये आर्मेचर कोर, दूसरा बाइंडिंग और तीसरा कम्यूटेटर और शाफ्ट। तो आर्मेचर कोर क्या होता है, ये आप जैसे देख रहे हैं ये आर्मेचर कोर है, आपको दिख रही होगी। आर्मेचर कैसे बनता है ये शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पतली पतली पट्टियां होती हैं, ये ऐसे एक एक सेपरेट सेपरेट पतली पतली पट्टी होगी, पूरे ये सर्किल होगा ऐसा, एक पट्टी पूरी जैसे यहाँ से ये पूरी एक अलग है, फिर इसके बाद दूसरी लेयर है इसकी, ऐसे करके जब हम बहुत सारी लेयर्स लगा देते हैं तो इन सबको मिला करके बनता है कोर। इनके बीच बीच में हम पतली पतली लेमिनेशन लेयर भी लगाते हैं ताकि इनका आपस में कांटेक्ट ना हो। अब बात करते हैं कि वाइंडिंग क्या होता है। तो इसी आर्मेचर में हम अंदर क्वायल लपेट देते हैं कॉपर की और उस क्वायल में हम करंट देते हैं। तो ये जो क्वायल है ये किसमें लगी रहती है, किसके सहारे है, कोर के। वाइंडिंग में हम करंट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है और एक जो इसके बाहर का आवरण है जिसको मैंने यहाँ नहीं दिखाया है वो एक परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अलग से प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये रोटेट हो सके, इसको टॉर्क मिल सके। ये है कम्यूटेटर, ये वाला पूरा भाग कम्यूटेटर का है ऐसे। तो कम्यूटेटर क्या है कि इसमें हम बाहर से ब्रशेस लगाते हैं, एक जैसे हमने अगर यहाँ पे ब्रश ऐसे लगा दिया और यहाँ से कोई कनेक्शन ऐसे बाहर को वायर दे दिया, ऐसे ही दूसरी साइड एक ब्रश लगा देते हैं और ऐसे ही दूसरा कनेक्शन दे दिया। ब्रश का काम है कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता रहे। अब चूंकि ये आर्मेचर जो पूरा सेटअप है ये पूरा रोटेट हो रहा है तो इसमें हम कोई फिक्स वायरिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ब्रश की मदद से हम इसे सप्लाई देते हैं। ये ब्रश लगातार इस कम्यूटेटर बार पर घिसता रहता है और ये सॉफ्ट है जिसके सहारे ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। यह आपने देख लिया कि कैसा दिखता है आर्मेचर। अब बात है कि इसकी वर्डिंग क्या है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का मेन पार्ट होता है, इसको हम हार्ट भी कह सकते हैं मशीन का। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हार्ट कह देते हैं जिसके बिना नहीं चल सकता, जैसे हमारा हार्ट है, बिना हार्ट के तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ऐसे ही बिना आर्मेचर का कोई मशीन का इमेजिनेशन नहीं है। तो आर्मेचर इज द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन। आर्मेचर का जो काम है वो है पावर जनरेशन का, शक्ति उत्पन्न करने का। अब वो चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो चाहे मैकेनिकल पावर हो। आर्मेचर जो है स्टेशनरी और रोटेटिंग दोनों तरह का हो सकता है, फिक्स वाला भी हो सकता है और घूमने वाला भी हो सकता है। आर्मेचर मैंने बताया आपको कि मेन कंपोनेंट है, यह फील्ड के चारों ओर करंट कैरी करता है और इस तरह से ये शाफ्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। रिपीट कर रहा हूँ, करंट कैरी करता है फील्ड के चारों ओर और इस तरह से यह टॉर्क उत्पन्न करता है या घूर्णन उत्पन्न करता है। आर्मेचर वाइंडिंग में एसी ही चलती है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं डीसी मोटर की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एसी ट्रेवल करती है, एसी फ्लो होती है। तो यहाँ पर एसी ही फ्लो होती है, कैसे, क्योंकि ये जो इसकी डायरेक्शन है करंट की वो बार बार चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ये रोटेट होता रहता है, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो ये जो ब्रशेस लगे हैं इनमें क्योंकि ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये घूमने की वजह से इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। यहाँ पे भी मैंने हिंदी में लिख दिया है। और दूसरा जो काम है आर्मेचर का वो है ईएमएफ प्रोड्यूस करना। जब ये रोटेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है जिससे ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये था आर्मेचर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।